दोस्तों, चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व। 5 चरण हो चुके हैं और बस 2 चरण बाकी हैं, और दिल्ली में चुनाव 25 मई को मतलब परसों ही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ कविता लिखी है, आपके साथ साझा करता हूँ, सुनिएगा। 5 साल में एक बार आती चुनाव की बेला है, लोकतंत्र के ताकत को दिखलाती अलबेला है। शीश महल हो या राजमहल हो, सब छोड़ सड़कों पे आना पड़ता है, भरी दोपहरी बिजली पानी पसीना बहाना पड़ता है। एक ओर सरकार जहां रिपोर्ट कार्ड दिखलाती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कमियों को गिनवाती है। राष्ट्रहित हो, प्रांत हित हो, जनहित हो, ज़्यादा कैसे, कोई पीछे छूट न जाए, देश आगे बढ़े ऐसे। काश काश ऐसा ही चुनाव होता, काश इन्हीं बातों पे मतदान होता, और फिर जनता जो भी कहती उस जनादेश का सम्मान होता। पर काश 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 कोई जाति जनगणना करवाता है तो कोई आरक्षण बढ़वाता है, कोई फ्री बिजली पानी दिलवाता है तो कोई जाति धर्म पर बंटवाता है। किसी मूल्य पर जीत मिल सके, अगर यही विचारधारा है तो फिर इस महान देश का भाग्य ही सहारा है। जब वामपंथ और कट्टरपंथी बन जाएं सगे संबंधी, जब राजनीति के बाएं दाएं सब मिलकर के हाथ मिला लें, दूर छोड़ देश की चिंता, कैसे किसी को हराया जाए, राजनीति की रोटी सिकवाएं, फिर सब मिलजुल कर खाएं। चुनाव से पहले विकास की बात, उसके बाद साथ न होगा किसी का हाथ। म्यूजिकल चेयर में सब अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे, हर साल प्रधानमंत्री बदले जाएंगे या फिर दोबारा चुनाव करवाएंगे। कोई भय है बांट रहा तो कोई भ्रम का विक्रेता है। संविधान को असली खतरा है इनसे, यह कलयुग है न कि राम की त्रेता है। भ्रम और भय के तूफान में ही इन नेताओं की कुर्सी स्थिर रहती है, जनता कहीं जाग न जाए इसी डर से इनकी नींद उजड़ी रहती है। पर बहुत सो लिए बहुत रो लिए, अब जागने की बारी हमारी है, बहुत बैठ लिए हाथ पकड़ के, अब भविष्य की जिम्मेदारी है। वचन लीजिए, मतदान कीजिए, आपका हर एक वोट कीमती है और इसी अधिकार से ही तो आपकी गिनती है। आइए वचन लेते हैं, एक वोट हो राष्ट्र के नाम, एक वोट बच्चों के नाम, इस एक वोट का कोई दे सके न दाम, और इस एक वोट के बिना न लेंगे विश्राम। दोस्तों, 25 मई को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।